कहानी की शुरुआत में कुछ फ्रेंड्स को देखा जाता है जो कहीं पर वेकेशन एंजॉय करने आए होते हैं। ये सभी जिस घर में रुके होते हैं वहाँ से इनको एक गेम मिलता है जिसका नाम होता है गेम ऑफ डेथ। फिर सभी फ्रेंड उस गेम को खेलने का डिसाइड करते हैं। उस गेम के साथ में एक कार्ड भी होता है जिसमें उस गेम के इंस्ट्रक्शन और रूल भी लिखे थे। मैथ्यू उस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि गेम को स्टार्ट करने के लिए सभी को अपनी एक एक उंगली उस पर रखनी होगी और सभी के रेडी होने के बाद स्टार्ट वाले बटन को दबाने से गेम स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद सभी फ्रेंड अपनी उंगली उस पर रख देते हैं। उस कार्ड में आगे लिखा होता है कि गेम स्टार्ट होने पर इसके काउंटर स्क्रीन पर जितना नंबर दिखाई देगा सभी को मिलकर उतने किल करने होंगे, यानी कि गेम की स्क्रीन पर जितना भी नंबर दिखाई देगा उतने लोगों को मारना होगा। इसके बाद एशली स्टार्ट वाले बटन को दबा देती है और गेम जैसे ही ऑन होता है वो गेम सभी का एक एक बूंद ब्लड ले लेती है। इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और उसकी काउंटर स्क्रीन पर 24 लिखा हुआ आता है। तभी बेथ गेम के रूल को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि अगर दिए हुए टाइम के अंदर कोई किसी को नहीं मारेगा तब गेम खुद एक प्लेयर को चूज करेगी और उसे मार डालेगी और ये गेम तभी खत्म होगा जब इसकी काउंटर स्क्रीन पर 0 हो जाएगा या इसे खेलने वाले सभी प्लेयर्स मारे जाएंगे। लेकिन जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगी तब इस गेम को खत्म किए बिना बंद नहीं किया जा सकता। इस गेम का एक ही रूल है, मारो या मर जाओ, और इस गेम का लास्ट सर्वाइवर गेम का विनर होगा। सभी को लगता है कि ये एक मजाक है इसीलिए कोई इस गेम को सीरियसली नहीं लेता। इसके बाद टाइलर वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। फिर उसके पीछे पीछे उसके कुछ फ्रेंड्स भी बाहर आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लेकिन कुछ देर बाद अचानक से मैथ्यू के सर में बहुत दर्द होने लगता है। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी मैथ्यू का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसके सभी फ्रेंड्स बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन टॉम और उसकी सिस्टर बेथ अभी भी गेम के पास बैठे थे जहाँ पर उनको काउंटर स्क्रीन पर एक नंबर कम होता हुआ दिखाई देता है, यानी मैथ्यू की मौत होते ही वहाँ पर लिखा नंबर 24 से 23 हो गया था। टाइलर को लगता है कि कोई उनको शूट कर रहा है इसलिए वो सभी को अंदर चलने के लिए बोलता है। बेथ और टॉम भी उनके ऊपर ब्लड देकर परेशान हो जाती हैं और डर जाती हैं। इसके बाद टाइलर उनको बताता है कि कोई हम सभी को शूट कर रहा है। ये सुनकर टॉम और बेथ विंडो पर जाकर देखने लगते हैं लेकिन घर के बाहर उनको कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनको कौन मार रहा है, इसीलिए मैरी हेल्प के लिए पुलिस के पास कॉल करती है। तभी टॉम को दरवाजे पर किसी के आने की आहट होती है। इसके बाद टॉम अपनी गन लेकर दरवाजे पर जाता है जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। इसके बाद टॉम उस बूढ़े आदमी को अपने गन पॉइंट पर लेकर अंदर आ जाता है क्योंकि टॉम को लगता है कि इसी ने उनके साथ कुछ किया है। वो बूढ़ा आदमी बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी इसीलिए मैं देखने के लिए यहाँ आया था। लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं था। सभी को लगता है कि ये बूढ़ा आदमी ही उनको मार रहा है। तभी अचानक से कैनी के सर में भी बहुत दर्द होने लगता है लेकिन इस बार भी किसी को कुछ समझ नहीं आता और टाइलर जैसे ही उसके पास आता है कैनी का सर फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे काउंटिंग स्क्रीन पर 22 दिखाई देता है जहाँ पर केनी के मरने से पहले 23 लिखा था। अब टॉम समझ जाते हैं कि ये गेम रियल है क्योंकि शुरुआत में उस पर 24 लिखा था जो मैथ्यू के मरने के बाद 23 और अब केनी के मरने के बाद 22 हो गया है। टॉम ये बात बाकी सभी लोगों को भी बताता है लेकिन टाइलर को लगता है कि उस गेम को तोड़ देने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा इसीलिए वो इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन गेम को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टॉम बूढ़े आदमी को मारने जाता है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से समय पूरा होने से पहले किसी को मारना होगा नहीं तो गेम किसी भी एक प्लेयर को मार देगी और यही सेम चीज मैथ्यू और केनी के साथ हुई है क्योंकि उस टाइम पीरियड में इनमें से किसी ने कोई किलिंग नहीं की थी। टाइलर, मैरी और एशली टॉम को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते लेकिन टॉम कुछ नहीं सोचता और उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है जिसके मरते ही स्क्रीन पर 22 की जगह 21 हो जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब सभी को समझ में आ जाता है कि ये गेम रियल यानी सच है। इसके बाद वो सभी यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दिया था जो अब यहाँ पर आने वाली थी लेकिन टॉम की सिस्टर उस गेम को भी अपने साथ ले जाती है। ये सभी एक कार में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में पुलिस की गाड़ी को देखकर मैरी उनसे हेल्प मांगने के लिए बोलती है लेकिन टॉम गाड़ी रोकने से मना कर देता है क्योंकि अब उसे पता है कि अगर उनको अपनी जान बचानी है तो और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन टाइलर, मैरी और एशली उसकी बात से एग्री नहीं करते क्योंकि वो बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेना चाहते। लेकिन अब टॉम की सिस्टर भी टॉम की बात से एग्री हो जाती है क्योंकि टॉम और बेथ अब केवल अपने बारे में सोच रहे हैं।
तभी अचानक से एक लड़का इनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन टायलर सही समय पर गाड़ी को रोक लेता है जिससे उस लड़के की जान बच जाती है। अब टॉम टायलर से उस लड़के को हिट करने के लिए कहता है जिससे इनकी जान बची रहे, लेकिन टायलर ऐसा करने से मना कर देता है। तब टॉम उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे मारने की धमकी देता है, जिसके बाद टायलर को उस लड़के को हिट करना ही पड़ता है। लेकिन गेम से अभी भी कोई आवाज नहीं आई थी, इसलिए टॉम टायलर से गाड़ी को रिवर्स करने के लिए बोलता है क्योंकि वो लड़का अभी भी मरा नहीं था। मजबूरी में टायलर को गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है जिससे उस लड़के की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है, लेकिन वो लड़का अभी भी मरा नहीं था। इसीलिए टॉम गाड़ी से बाहर आता है और उसे मार देता है, जिसके बाद गेम की स्क्रीन पर अब 20 हो जाते हैं, यानी इनको अपनी जान बचाने के लिए अभी भी 20 लोगों को मारना होगा। तभी जॉगिंग करते हुए एक लेडी यहाँ आ जाती है और डेड बॉडी को देखकर यहाँ से भागने लगती है। इसके बाद टॉम और बेथ उसका पीछा करने लगते हैं। फिर कुछ दूर जाने पर लेडी नीचे गिर जाती है। वहाँ पर टॉम बेथ को अपनी गन देकर उस लेडी को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन बेथ ने कभी किसी को नहीं मारा था इसीलिए वो ऐसा नहीं करती। इसके बाद टॉम को उस लेडी को मारना पड़ता है, जिसके बाद एक और किल ऐड हो जाता है। इसके बाद टॉम और बेथ डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन टायलर और रेस्ली डिसाइड करते हैं कि वो किसी बेगुनाह का मर्डर नहीं करेंगे, जबकि टॉम और बेथ ने अपनी जान बचाने के लिए मर्डर करने का डिसाइड कर लिया था। इस बात को लेकर टॉम और टायलर के बीच बहस होने लगती है। टायलर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें किसी बेगुनाह आदमी को नहीं मारना चाहिए। तभी यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो इनके ऊपर लगे ब्लड को देखकर अपनी गाड़ी रोकती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। तब ऐसली बहाना बना देती है कि गलती से हमने एक हिरन को हिट कर दिया, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर हिरन की डेड बॉडी नहीं दिखाई देती, जिसके बाद टायलर को भी झूठ बोलना पड़ता है कि हमने उसको जंगल में फेंक दिया। पर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही बातूनी थी, इसीलिए वो इनका टाइम वेस्ट करने लगती है। कुछ देर बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब अगली किलिंग का टाइमर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी में बैठी मैरी का सर ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर पुलिस ऑफिसर को उन पर शक होता है, लेकिन अब टॉम उस पुलिस ऑफिसर को भी शूट करने जाता है। तभी एस्ली उसे ऐसा करने से रोक देती है। इसके बाद टॉम एस्ली को गन पॉइंट पर ले लेता है और बेथ के साथ टायलर की गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर टायलर और एस्ली को अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने के लिए बोलती है। इसी बीच धीरे धीरे किलिंग का टाइमर खत्म होने लगता है, लेकिन इस बीच किलिंग नहीं होने की वजह से गेम अब टायलर को अपना टारगेट बना लेती है। इसके बाद टायलर के सर में दर्द होने लगता है। ये देख कर एस्ली समझ जाती है कि अगर उसे टायलर की जान बचानी है तो किसी को मारना होगा, इसीलिए एस्ली उस पुलिस ऑफिसर को मार देती है, इससे टायलर की जान बच जाती है। अब एस्ली को समझ आ जाता है कि अगर गेम को खत्म करना है तो अब सभी प्लेयर्स को मरना होगा। इसके बाद टायलर और एस्ली पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब टायलर अपने एक फ्रेंड को जीपीएस की हेल्प से उसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टॉम और बेथ बाकी बच्चे किलिंग को करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वो पेशेंट को मार कर उन पर एहसान करेंगे। इसलिए दोनों अब एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं, जहां पर टॉम बेथ को अपनी गन दे देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस गेम को खत्म कर देंगे। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और दोनों एक साथ मिलकर बहुत सारे पेशेंट्स को मारने लगते हैं। इसी बीच अब टायलर और रेस्ली भी उनको रोकने के लिए यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान हो गए थे क्योंकि उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स को मार डाला था। टायलर और एस्ली सबसे पहले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ की लेडी कैमरे पर नजर रखने की बजाय सो रही थी, इसलिए एस्ली उसे जगाती है और उसे यहाँ पर पुलिस बुलाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सैम नाम की एक पेशेंट को दिखाया जाता है, जो एक छोटी सी लड़की होती है और हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में गन थी, लेकिन वो लड़की समझते है कि बेथ यहाँ किसी को विजिट करने के लिए आई है। उसे लड़की की मासूमियत देखकर बेथ भी इमोशनल हो जाती है, इसीलिए वो उसे मारने से पहले आंखें बंद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी टायलर के साथ एस्ली यहाँ आकर उस पर गन पॉइंट कर देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम इस छोटी लड़की को यहाँ से जाने दो और उसके बदले मुझे मार दो। ये सुनकर बेथ जैसे ही अपनी गन उस लड़की से हटाती है, एस्ली उसे शूट कर देती है, जिससे वहीं पर बेथ की मौत हो जाती है। इसके बाद टायलर और एस्ली उस छोटी लड़की को दूसरी जगह छुपा देते हैं। अब पुलिस की टीम भी हॉस्पिटल में आ जाती है और पेशेंट्स के किलर को ढूंढने लगती है। वहीं टॉम जब बेथ को मरा हुआ देखता है तो बहुत अपसेट हो जाता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था और उसके साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहता था। तभी टायलर और एस्ली भी गन के साथ वहां आ जाते हैं और टॉम समझ जाता है कि इन दोनों ने ही बेथ को मारा है, इसीलिए वो उनको मारने के लिए गन उठाने जाता है, लेकिन टायलर उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक ही एस्ली का माइंड चेंज हो जाता है और उसके पास गन होते हुए भी वो कुछ नहीं करती, लेकिन टायलर किसी तरह टॉम को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसकी गर्दन को अपनी उंगली से फाड़ देता है, इससे अब टॉम की भी मौत हो जाती है। इसके बाद गेम की काउंटर स्क्रीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब केवल एक और किलिंग बची हुई थी।
इसका मतलब है कि एक और इंसान को मारने के बाद ये गेम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर केवल टायलर और एस्ली ही बचे थे, यानी कि अब टायलर और एस्ली में से कोई एक मरेगा और लास्ट में जो सरवाइव करेगा वो गेम का विनर होगा। अब एस्ली का माइंड यहाँ पर चेंज हो जाता है और वो केवल अपने बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वो टायलर को वहीं पर शूट कर देती है, इससे टायलर की मौत हो जाती है और इसी के साथ आखिरी किलिंग भी कम्प्लीट हो जाती है। इसके बाद गेम ऑफ डेथ का गेम ओवर हो जाता है और एस्ली इस गेम की लास्ट सर्वाइवर होती है, इसीलिए वो ही इस गेम की विनर बनती है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है, जिसके बाद एस्ली को मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अगले सीन में कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रे का आदमी एक पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस गिफ्ट में गेम ऑफ डेथ गिफ्ट देता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर गेम को खेलने के लिए अपने साथियों से पूछता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।